नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं कंचन नेगी। सबसे पहले मुख्य समाचार। उत्तराखंड में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। कुमाऊं मंडल में जमकर बरसी आफत की बारिश। कई स्थानों पर सड़कें बंद, तो जान माल का भी हुआ नुकसान। देशभर में आज मनाया जा रहा है हिंदी दिवस। देशवासियों को गृह मंत्री अमित शाह ने दी शुभकामनाएं। और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को देश में मिलेगा बढ़ावा। पीएम ई ड्राइव योजना के तहत सब्सिडी में किया गया इजाफा। देश में बढ़ेगी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग पॉइंट्स की संख्या। अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड प्रदेश में लगातार हो रही बरसात से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। प्रदेश भर में कई सड़कें और ग्रामीण संपर्क मार्ग बंद हैं, तो कई इलाकों में जानमाल का भी नुकसान हुआ है। ऐसे में शासन प्रशासन के तमाम अधिकारी मौसम पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं भारी बारिश के चलते कई जिलों में प्रशासन ने आज भी स्कूलों में अवकाश घोषित किया है। उत्तरकाशी के बड़कोट पौंटी सुनाल्डी मोटर मार्ग खोलने गई जेसीबी मशीन के बीच रास्ते में खराब होने से गाड़ियों का लंबा जाम नजर आया। चमोली जनपद में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर लामबगड़ में मलबा और बोल्डर आने से बड़े वाहनों के लिए आवाजाही बंद है, जबकि लंगासू चटवा पीपल के पास मलबा आने से मार्ग अवरुद्ध हो गया है। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाले 48 से अधिक लिंक मार्गों के भी अवरुद्ध होने की सूचना है। पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय के निकट गणकोट गाँव में मूसलाधार बारिश के बाद हुए भूस्खलन से तबाही हुई है। भारी बारिश और भूस्खलन के चलते लोग घरों से जान बचाकर भाग खड़े हुए, जबकि एक महिला की मलबे में दबने से मौत होने की बात सामने आई है। दूसरी तरफ अल्मोड़ा में पिछले 48 घंटों से लगातार हो रही बरसात से कोसी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। रानीखेत के राजकीय चिकित्सालय के निचले हिस्से में हुए भूस्खलन की वजह से अस्पताल के मरीज नजदीक के अस्पतालों में शिफ्ट किए गए हैं। हमारे अस्पताल का जो परिसर का बायोमेडिकल वेस्ट ग्राउंड का हिस्सा है, वो धंसना शुरू हो गया था और अत्यधिक वर्षा की वजह से, जिसके क्रम में हमने जो है एहतियात के तौर पे और एक सावधानी को ध्यान में रखते हुए और आपदा की स्थिति को भांपते हुए हमने अस्पताल को वर्तमान में खाली करा लिया है। उसमें मरीज हमने अपने निकट अपने डॉक्टर एम एन श्रीवास्तव और डॉक्टर ओ पी एल साहब के यहाँ जो मरीज को शिफ्ट कर दिए हैं, और उनमें से जो क्रिटिकल पेशेंट्स थे उन पर हमने ज़्यादा ध्यान दिया है, और जो हमारे डिस्चार्ज होने लायक मरीज थे उनको वापस घर भेज दिया, और जिससे कि जान का खतरा कम से कम हम फिलहाल बचा सकें, और बाकी जो सामान की स्थिति है वो हम धीरे धीरे प्रयास करें SDRF और अन्य टीमों की मदद से और अस्पताल के स्टाफ की मदद से उसका भी कुछ ना कुछ जो है उपाय करके जो है अपना सामान और चीज़ें और जान माल का जो नुकसान की जितना बचाया जा सकता है बेहतर रूप से उसको हम उसमें प्रयासरत हैं। आज देशभर में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 1949 में आज ही के दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में हिंदी को देश की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। हिंदी विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में एक है। ये 52 करोड़ से अधिक लोगों की पहली भाषा है। गृह मंत्री अमित शाह ने हिंदी दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रिय देशवासियों, आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वर्ष का हिंदी दिन हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। इसका 75वां साल पूरा हो रहा है, और एक प्रकार से हम इस वर्ष राजभाषा हीरक जयंती मनाने जा रहे हैं। ये 75 साल की यात्रा हिंदी के लिए, राजभाषा के लिए और हमारी सभी राज्यों की अपनी अपनी भाषाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। हिंदी ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, परंतु आज मैं इस मकाम पर खड़े रहकर निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि हिंदी और किसी स्थानीय भाषा के बीच में कोई स्पर्धा नहीं है।
केंद्रीय कैबिनेट ने देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। पीएम ई ड्राइव योजना के तहत सब्सिडी में इजाफा करते हुए दुनिया के तीसरे सबसे बड़े ऑटोमोबाइल सेक्टर को ग्रोथ देने की तैयारी है। देश में लगातार इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या में इजाफा हो रहा है, लेकिन सब्सिडी और चार्जिंग पॉइंट्स की वजह से आ रही दिक्कतों को अब केंद्रीय कैबिनेट के इस फैसले ने दूर कर दिया है। आइए देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की दिशा में मोदी सरकार ने अहम फैसला किया है। कैबिनेट ने दो वर्षों के लिए पीएम ई ड्राइव योजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत 10,900 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इस योजना के तहत दो पहिया और तीन पहिया वाहनों के साथ साथ ट्रकों और हाइब्रिड एम्बुलेंस को भी शामिल किया गया है। इसके तहत देश भर में चार्जिंग स्टेशन की सुविधा भी मुहैया कराई जाएगी। इसके साथ ही टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी अलग से 780 करोड़ रुपए दिए गए हैं। नई ईवी सब्सिडी स्कीम, पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट यानी पीएम ई ड्राइव दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ाने की एक और बड़ी कोशिश है। इसके तहत ईवी सब्सिडी खासतौर पर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स, ट्रक और बसों के साथ साथ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया गया है। स्कीम में 500 करोड़ रुपए ई एम्बुलेंस के लिए आवंटित किए गए हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट एजेंसीज द्वारा 14,028 बसों के प्रोक्योरमेंट के लिए 4,391 करोड़ रुपए उपलब्ध कराने का प्रावधान है। ई ट्रकों को इंसेंटिव देने के लिए 500 करोड़ रुपए रखे गए हैं। दरअसल भारत में बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के प्रसार के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाना बेहद जरूरी है। ऐसे में स्कीम में इस सेगमेंट पर खास फोकस किया गया है। कुल आउटले का 18% से ज्यादा चार्जिंग के लिए रिजर्व रखा गया है। कुल मिलाकर चार्जिंग के लिए 2000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। स्कीम के तहत इलेक्ट्रिक फोर व्हीलर्स के लिए 22,100 फास्ट चार्जर्स, जबकि ई बसों के लिए 1,800 फास्ट चार्जर्स और इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स के लिए 48,400 फास्ट चार्जर्स लगाने की योजना है। पीएम ई ड्राइव योजना प्रदूषण को कम करने की दिशा में भी एक बड़ा फैसला है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने केंद्र सरकार से पीएमजीएसवाई योजना के तहत राज्य में आबादी के मानक को 250 के बजाय 150 करने का अनुरोध किया है। साथ ही राज्य में वन्यजीवों से फसलों की सुरक्षा के लिए घेरबाड़ योजना के लिए 5 साल तक प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपए का बजट देने की मांग की है। गणेश जोशी ने नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर ये विषय उठाए। उन्होंने प्रदेश के 11 जिलों में 6400 हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती के लिए भी केंद्र सरकार से मंजूर धनराशि को जल्द जारी करने का अनुरोध किया। गणेश जोशी ने पीएमजीएसवाई के अधूरे कार्यों की समय सीमा को मार्च 2025 तक बढ़ाने के लिए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार जताया है। पेयजल सचिव शैलेश बगोली ने शुक्रवार को सीएम हेल्पलाइन 1905 में पेयजल विभाग से संबंधित शिकायतों की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित शिकायतकर्ताओं से दूरभाष पर समाधान के लिए वार्ता की और निर्माण कार्यों के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई। शैलेश बगोली ने शिकायतों के त्वरित एवं पारदर्शी तरीके से निस्तारण पर जोर दिया। बैठक में पेयजल निगम एवं जल संस्थान के अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण कार्य समयबद्ध रूप से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने स्पष्ट किया कि कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों व अभियंताओं के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। पेयजल सचिव ने कहा कि प्रत्येक 15 दिन में 1905 से संबंधित समीक्षा की जाएगी। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।